गुड आफ्टरनून एवरीवन, वेलकम टू विजन JRF और मैं हूँ आपकी एजुकेटर रचना अग्रवाल. सो वेलकम टू द क्लास एवरीवन. आज जो है आप जैसा कि स्क्रीन पे देख सकते हैं कि आज जो है हम पढ़ने वाले हैं टाइप्स ऑफ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन. देखिए हमारा जो UGC नेट के सिलेबस में जो पेपर वन है उसमें हमारा एक यूनिट है कम्युनिकेशन, जो सबसे ज्यादा ईजी यूनिट है क्योंकि कम्युनिकेशन जो है वो हम रोजमर्रा की जिंदगी में करते हैं. आप कभी ना जब से पैदा होता है एक इंसान वो कम्युनिकेट करना चालू कर देता है मरते दम तक, है ना. तो हर तरीके से, और कम्युनिकेशन अगर देखा जाए तो सिर्फ ह्यूमन बीइंग्स के आपस ही नहीं करते हैं बल्कि बर्ड्स, एनिमल्स, जो भी आप देख लो लिविंग थिंग्स जितने हैं वो सब किसी ना किसी तरह से कम्युनिकेशन करते हैं. तो कम्युनिकेशन इसलिए कहा भी जाता है कि इट इज ऑल परवेसिव, हर जगह है कम्युनिकेशन. तो ये कम्युनिकेशन यूनिट बहुत इंपॉर्टेंट है. अगर हम देखें तो UGC नेट के पेपर में यहाँ से जो है बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस बनते हैं और आज जो है हम एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे जो है टाइप्स ऑफ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन. ठीक है, क्योंकि ये पूछा जाने वाला एक ऐसा टॉपिक है सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला जिसको आपको पढ़ना बहुत जरूरी है. सो वेलकम टू द क्लास एवरीवन. चलिए क्लास को शुरू करते हैं. जो पहली बार मुझसे जुड़ रहे हैं वो मेरा बायो देख सकते हैं. 2022 में मैंने क्वालिफाई किया था JRF विद 80% मार्क्स इन एजुकेशन सब्जेक्ट. मेरा पेपर टू जो है वो एजुकेशन है और JRF अड्डा पे भी मैं पेपर टू एजुकेशन भी लेती हूँ और साथ ही साथ पेपर वन. 7 साल का टीचिंग एक्सपीरियंस है. अब हमेशा बच्चे बोलते हैं कि मैम हमारी सिस्टमेटिक तरीके से पढ़ाई नहीं हो रही है, यूट्यूब पे क्लासेस कहीं कहीं होती है, हमें ये पर्टिकुलर क्लास नहीं मिल रही है, कहाँ पे है मैम, ऐसे बहुत सारे सवाल जो है वो बच्चे पूछते रहते हैं. तो इन सबका एक ही जवाब है, ये आप जो है, अगर आपको मैंने बोला ना दिसंबर एग्जाम जो है आपके लिए गोल्डन चांस है. अगर जून एग्जाम का पेपर दिया है आपने और आपने देखा है कि आंसर की रिस्पॉन्स शीट मिल चुका है, आपको एक अंदाजा लग गया होगा कि नाउ वेयर यू स्टैंड. अगर आपका नेट क्लियर हो रहा है या JRF क्लियर हो रहा है देन तो कॉन्ग्रेचुलेशंस. लेकिन अगर कहीं भी आपको लग रहा है कि यार अब ये जो है मतलब नहीं क्लियर हो पाएगा और दिसंबर एग्जाम आपका टारगेट है, या फिर आप पहली बार प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हैं, तो भी दिस बैच इज फॉर यू ओनली. सिस्टमेटिक तरीके से पढ़ना है. सारे सारे कोर्सेज आपको रिकॉर्डिंग भी मिलेंगे और लाइव क्लासेस चलेंगी. साथ ही साथ जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हुए हैं खासकर 2022 और 2023, क्योंकि यहां से आपको पता है ट्रेंड चेंज हो गया है, ठीक है, तो इसके डिटेल सॉल्यूशन आपको कराए जाएंगे इस बैच में. आपको बताया जाएगा कि किस तरह से क्वेश्चन को अप्रोच करिए आप, है ना, जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. और साथ ही साथ ये वाला जो ऑफर है ना इसमें आपको टेस्ट सीरीज भी मिल जाएगा फ्री, ठीक है. अब यहाँ पे आप 10% अगर कोड लगा देते हैं, 10% सॉरी आई एम सो सॉरी, आपका कूपन कोड है अर्ली, अर्ली कूपन कोड है ये लगाएंगे तो आपको 10% डिस्काउंट जो है यहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है. और ये जल्दी से जल्दी आप ऑफर अवेल कर लीजिए क्योंकि आज जो है यानी कि 7 जुलाई, क्योंकि आज से हमारे सेशन स्टार्ट हो रहे हैं एंड दिस इज द लास्ट डेट फॉर द एनरोलमेंट. तो बिल्कुल इसका फायदा उठा लीजिए क्योंकि बीच में अब एक बार बैच स्टार्ट हो जाएगा तो बीच में एनरोलमेंट जो है वो नहीं होगा. कभी अगर कोई स्पेशल ऑफर आता है तब एनरोलमेंट होगा, क्योंकि देखो बीच में अगर आप आते हो तो आपके लिए भी दिक्कत है, पुरानी सारी पढ़ी हुई चीजें आपको फिर से रिकॉर्डिंग देखनी पड़ेगी. लाइव अटेंड करने से फायदा क्या होता है कि टीचर से सारे डाउट जो है वो क्लियरिंग सेशन में आप डाउट्स पूछ सकते हो. सो ये फायदा अगर आपको लेना है तो बिल्कुल आज जो है ये ले लीजिए. अगर आपको पेपर वन नहीं है सिर्फ पेपर टू एजुकेशन लेना है, ओनली एजुकेशन का पैकेज, तो ये भी एक पैकेज है. यहां पर भी आप अर्ली कोड लगा दीजिए तो आपको 10% डिस्काउंट इस वाले प्राइस पे मिल जाएगा. हमारी आज एजुकेशन की क्लास शुरू होने वाली है, ओरिएंटेशन सेशन होंगे और साथ ही साथ डिटेल्ड एनालिसिस किया जाएगा जून एग्जाम का. तो आपको पता चलेगा कि हाँ यार कहाँ मेरे में कमी रह गई. आपको तरीका मैं बताऊंगी कि किस तरह से आप एनालिसिस करिए जब आपको पता चले कि हाँ भाई दिसंबर एग्जाम की तैयारी अब किस तरह से की जाएगी. वहां वीडियो कोर्स, PDF और PYQs का सॉल्यूशन मिल जाएगा. बस इस वाले पैकेज में आपको टेस्ट सीरीज नहीं मिलेगा, ठीक है. टेस्ट सीरीज के लिए आपको पहला वाला पैकेज लेना पड़ेगा. और अगर सिर्फ पेपर वन लेना है आपको
ओनली पेपर वन पढ़ना है, आपका पेपर टू नहीं है जेआरएफ अड्डा पे, तो दिस इज अगेन द थर्ड पैकेज टाइप ऑफ। यहां पर भी आप अर्ली कोड लगा देंगे तो 10% डिस्काउंट यहां पर भी आपको मिल जाएगा। ठीक है, आज लास्ट डेट है 7 जुलाई, बिल्कुल इसका फायदा ले लीजिए। ठीक है, ओके, चलिए तो क्लास को करते हैं शुरू विदाउट एनी डिले आज जो है। अच्छा हाँ, ये एक और चीज रह गया था बताना आपको, फ्री सेमिनार है 9 जुलाई 9 PM। जेआरएफ अड्डा ऐप डाउनलोड कर लीजिए और डाउनलोड करने के बाद गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लें। वहां पे आपको जब आप डाउनलोड करेंगे तो इंटरफेस में आपको वहां पे टॉप कॉर्नर में ना फ्री काउंसलिंग सेशन मिलेगा, तो बिल्कुल फ्री काउंसलिंग है ये, फ्री सेमिनार है 9 जुलाई को 9 बजे, याद रखेगा 9 जुलाई यानी कि संडे है अभी आने वाला है, 9 जुलाई को रात के 9 बजे आ जाइएगा। हम लोग जो है फ्री काउंसलिंग सेशन होगा, आपको मैं बताऊंगी कि किस तरह से आप पेपर वन और पेपर टू की तैयारी करें दिसंबर एग्जाम में स्ट्रैटेजिकली। ओके, सो दिस इज द थिंग, यहाँ देख सकते हैं बिल्कुल आपको इस तरह से दिखेगा, बुक नाउ, बस आप बुक कर दें और एंड यू कैन अटेंड द सेशन। तो चलिए, टाइप्स ऑफ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन अगर हम देखें तो जो ये मेजर टाइप्स है, सबसे पहला है काइनेसिक्स, वोकैलिक्स, हैप्टिक्स, प्रॉक्सिमिक्स, आर्टिफैक्ट्स एंड एनवायरनमेंट, ऑल्फैक्टिक्स और क्रोनेमिक्स। इसको थोड़ा सा हम डिटेल में पढ़ लेते हैं। अगर हम काइनेसिक्स देखें, मतलब काइनेसिक्स को अगर हम देखें तो काइनेसिक्स एक ऐसा नॉन वर्बल कोड है जिसमें कि आप अपने बॉडी मूवमेंट के हेल्प से कम्युनिकेट करते हैं। आप वर्बली कुछ नहीं बोलते हैं, ना तो लिख के किसी को बताते हैं, आप अपने बॉडी मूवमेंट, जैसे मेरा जेस्चर, मैं आपको अभी पढ़ा रही हूं, मेरे हाथ हिल रहे हैं, मेरे फेशियल एक्सप्रेशन चेंज हो रहे हैं, आई कॉन्टैक्ट मेरा बन रहा है आपसे, तो ये सारी चीजें ना नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में आती है। ठीक है, अगर हम आई कॉन्टैक्ट देखें तो आई कॉन्टैक्ट को अलग से ऑक्यूलेसिक्स भी बोलते हैं, ऑक्यूलेसिक्स। ठीक है, तो ये सारी चीजें देखो, आई कॉन्टैक्ट से कितनी सारी बातें हो जाती है, बोलते ना इशारों इशारों में कितनी बातें हो जाती है, तो इशारों इशारों में जो बात होती है वो क्या है, इट इज अ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन और ये काइनेसिक्स का ही पार्ट है। ठीक है, तो काइनेसिक्स आप याद रखिएगा, जब भी आपके बॉडी का कोई मूवमेंट हो, किसी बॉडी मूवमेंट के हेल्प से आप कम्युनिकेट कर रहे हैं मैसेज, देन दैट इज काइनेसिक्स। दूसरा आता है वोकैलिक्स, वोकल, वोकल यानी कि अब आप जैसे वॉल्यूम किसी का तेज है, पिच आपका बोलने का स्पीड, कितनी जल्दी 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 बोल रहे हो आप, वॉइस की क्वालिटी, वॉइस की क्वालिटी होती है, कई लोगों की बहुत हार्श होती है, कान में चुभती है ना, या वोकलाइज साउंड है या साइलेंस है, शांति भी एक तरह का चुप हो जाना, जैसे अगर मान ले सामने वाले ने कुछ आपको ऐसा जवाब दिया जो आपको पसंद नहीं आ रहा, तो आप जो है एकदम चुप हो जाओगे, चुप होकर आप उसे क्या बोल रहे हो कि मुझे तेरी बात जो है समझ में नहीं आई, तो ये क्या है, वोकैलिक्स। ओके, और या फिर आप पॉज ले लेते हो, रुक जाते हो, कोई डिस्कम्फर्ट आपको लग रहा है, टेंशन हो रहा है, तो आपके आवाज में समझ में आ जाएगा। हम जब किसी चीज से डर जाते हैं तो आपकी आवाज में कंपन होती है, तो ये सब क्या है, वोकैलिक्स है। और इसी का जो स्टडी होता है ना, जब आप इसकी स्टडी करते हो, वॉल्यूम, पिच, रेट, वॉइस क्वालिटी, इन सब की, तो इसको पैरा लैंग्वेज भी बोलते। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। फिर तीसरा होता है हैप्टिक्स, हैप्टिक्स यानी कि टच के थ्रू, छू कर किसी को आप कम्युनिकेट करते हो, जैसे कि आप हैंडशेक कर रहे हो किसी से, अगर आप बहुत फर्म हैंडशेक करते हो, एकदम आपका हैंडशेक बिल्कुल सही रहता है, तो ये दर्शाता है कि आप बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट हो, या आप सिर्फ ऐसे हल्के से छू कर हैंडशेक करते हो तो ये दिखता है कि आप कॉन्फिडेंट नहीं हो। सो कई बार इन सब चीजों से, टच से, आप किसी से किसी को गुस्से से पकड़ रहे हो तो उसको आपके पकड़ने से समझ में आ जाएगा कि आपको गुस्सा आ रहा है। सो ये सब क्या है, बिना बोले आप कम्युनिकेट कर रहे हो विद द हेल्प ऑफ टच। ओके, सो दिस इज हैप्टिक्स। फिर आता है प्रॉक्सिमिक्स, प्रॉक्सिमिक्स यानी कि जो फिजिकल डिस्टेंस है, आप कितने दूर खड़े हैं, जैसे कि आप इंटीमेट पार्टनर के साथ रहते हो, आपके हस्बैंड के साथ या आपकी वाइफ या गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, तो आपका जो है डिस्टेंस जो है वो अपने आप ही कम हो जाता है, वो बताता है कि यस, दिस सामने वाला जो इंसान है उसके प्रति आपको कितना प्यार है, या फिर आपके माँ बाप है, या अगर आप किसी स्ट्रेंजर से मिलोगे और स्ट्रेंजर जब आपके पास आना चाहेगा तो आप अपने आप दूर हो जाओगे। सो यू आर कम्युनिकेटिंग नॉन वर्बली दैट यू आर नॉट कंफर्टेबल विद द डिस्टेंस बिटवीन यू एंड द स्ट्रेंजर।
ओके सो ये क्या बताता है? प्रोक्सिमिक्स. इसको क्या बोलते हैं? प्रोक्सिमिक्स. फिर आता है क्रोनेमिक्स. क्रोनेमिक्स जो है वो टाइम से रिलेटेड है, कैसे टाइम जो है वो कम्युनिकेट करता है नॉन वर्बली. ओके उसके बाद लास्ट है आर्टिफैक्ट्स. आर्टिफैक्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे कि आपने पुलिस के यूनिफॉर्म को, पुलिस को चिल्ला के बोल, पुलिस चिल्लाते हुए नहीं बोलता कि भैया मैं पुलिस हूं तुम्हें पकड़ने आ रहा हूं. आप पुलिस वाले को जाकर देखोगे आपको समझ में आ जाएगा यार कि ये तो पुलिस वाला है, थोड़ा संभल के रहना है. क्यों? क्योंकि उसका जो यूनिफॉर्म है वो आर्टिफैक्ट्स में आएगा. यूनिफॉर्म देखकर आपको वो नॉन वर्बली ही कम्युनिकेट कर देता है. या फिर आप ज्वेलरी, आप पार्टी के लिए तैयार होते हो तो आपको बोलने की जरूरत नहीं कि मैं पार्टी के लिए तैयार हो रही हूँ, आपको देखकर ही समझ में आ जाएगा कि यार यू आर गोइंग टू पार्टी, या फिर आप किसी शादी में जा रहे हो, है ना. सो ये सब क्या है? आर्टिफैक्ट्स में आता है. इवन जो लोग टैटू कराते हैं ये भी आर्टिफैक्ट्स में आता है ना. टैटू जो कराते हैं वो कई बार कुछ नॉन वर्बल कम्युनिकेट करना चाहते हैं, जैसे आपको अपने पेरेंट्स से बहुत ज्यादा प्यार है तो आप उनके नाम की टैटू कराते हो, तो समझ में आ जाता है सामने वाले को देखकर कि यस यू लव योर पेरेंट्स वेरी मच, इसलिए उनके उनके नाम पे आपने टैटू कराया है, है ना. या फिर बॉयफ्रेंड अपने गर्लफ्रेंड के नाम की टैटू करा देता है तो वो यही बताने का चाहता है कि मैं आपसे कितना प्यार करता हूं. दिस इज अगेन नॉन वर्बल कम्युनिकेशन और आर्टिफैक्ट्स. और इसमें एक और आता है ऑल्फैक्टिक्स. ऑल्फैक्टिक्स क्या है? जो आपको स्मेल से जो कम्युनिकेशन होता है ना, जब कोई अच्छा खाना बनता है, छोले भटूरे बने हैं, पाव भाजी बनी है, तो उसकी सुगंध से ही आपको पता चल जाएगा कि आज किचन में मम्मी ने पाव भाजी बनाई है ना. तो ये क्या है? स्मेल जो है वो कम्युनिकेट कर रहा है नॉन वर्बली. ओके सो दिस इज ऑल्फैक्टिक्स. सो दीज आर द टाइप ऑफ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, नॉन वर्बल कोड्स बोलते हैं इनको, ध्यान रखिएगा. हिंदी में भी मैंने डाल दिया है काइनेसिक्स, स्वर, हैप्टिक्स, समीपस्थ, कालक्रम और कलाकृतियां, ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा. अब हम लोग आज जो इस बार जून एग्जाम में एक क्वेश्चन आया है, दो क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर लेते हैं, तो इससे और आपको पता चल जाएगा कि नॉन वर्बल कम्युनिकेशन से किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं. तो आप ये देखिए, मैच द फॉलोइंग है, ध्यान से देखिएगा, हिंदी में यहां लिखा हुआ है और आपको जो है करेक्टली मैच करना है क्वेश्चन. देखिए मैंने अभी आपको पढ़ाया था ऑक्यूलेसिक्स, अब यहां पे मिमिक है, पैंटोमिमिक है और जेस्चर है. ये सब कुछ मैं अभी आपको पढ़ा चुकी हूं, बस मिमिक और पैंटोमिमिक मैं आपको बताऊंगी. अगर आप ध्यान से देखें तो ऑक्यूलेसिक्स हमने अभी पढ़ा कि ये आई कॉन्टैक्ट, ये किससे रिलेटेड है? आई कॉन्टैक्ट, किस तरह से आप इशारों में बात करते हो, आपके आईज जो है, आईज के एक्सप्रेशन, आंख बंद कर रहे हो, आंख झपका रहे हो, हम एक आंख से आंख मारते हैं जब झूठ बोल रहे होते हैं, किसी को उल्लू बना रहे होते हैं, तो आपके जो आई मूवमेंट है इसको ऑक्यूलेसिक्स बोलते हैं. ए को थ्री से मिलाओगे तो तुरंत ही आपको आंसर मिल जाएगा, ठीक है. मिमिक्स जो है, मिमिक हम सब जानते हैं, हम मिमिक्री करते हैं, क्या करते हैं? मिमिक्री करते हैं. तो मिमिक जो है ना, एक्चुअली में ये फेस का मूवमेंट है ओनली टू इरिटेट समवन. एक्चुअली देखा जाए तो मिमिक को नेगेटिव सेंस में भी लिया जाता है ना. फिर आता है पैंटोमिमिक्स. देखो यहाँ पे पैंटोमिमिक्स लिखा है लेकिन ये क्या है? पैंटोमाइम बोलते हैं, ठीक है. पैंटोमाइम क्या है? आपने देखा होगा थिएटर्स में ना, लोग जो है बिना बोले कई कहानियां आपके सामने सिर्फ अपने शरीर के मूवमेंट से सुना देते हैं. माइम्स आपने देखी होगी, कई बार चेहरे पे ऐसे सफेद सफेद लगा लेते हैं और सिर्फ अपने एक्सप्रेशन से आपको पूरी स्टोरी बता देंगे वो. या कोई फोकलोर है तो वो आपको स्टेज पे बताना है तो वो आपको ऐसे करके बिना बोले, बिना किसी डायलॉग के, सिर्फ अपने हाथों के एक्सप्रेशन और बॉडी के मूवमेंट से वो आपको पूरा कम्युनिकेट कर देते हैं. तो इसको बोलते हैं पैंटोमाइम और यहाँ पे इन्होंने पैंटोमिमिक्स लिखा है. तो ये एक इस बार नया न्यू नॉलेज मैं आपको दे रही हूँ, याद रखिएगा. तो ये है मूवमेंट एंड पोजीशन ऑफ द होल बॉडी टू टेल अ स्टोरी. और जेस्चर तो हम जानते ही हैं, आर्म्स और हैंड का जो मूवमेंट होता है, जो जैसे मैं अभी कर रही हूँ समझाने के लिए, है ना, या फिर मैंने ब्यूटीफुल को ऐसे बोल दिया ब्यूटीफुल, सो दिस इज जेस्चर. ओके सो आंसर क्या है इसका? सेकेंड विल बी द करेक्ट आंसर. Now coming to the question number 2, ये देखेंगे काइनेसिक्स को लेकर इन्होंने पूछा है, इसको लेकर कौन से स्टेटमेंट सही है? निम्नलिखित में से कौन से गैर मौखिक संप्रेषण के एक प्रकार के रूप में अंग विच्छेद गत विज्ञान के बारे में सही है?
अब ये काइनेसिक्स को इन्होंने बोला है अंग विक्षेपगत विज्ञान। हमने काइनेसिक्स पढ़ा ही था कि इट इज ऑल रिलेटेड टू जेस्टर्स, बॉडी मूवमेंट, आई मूवमेंट, फेशियल एक्सप्रेशन, ये सब कुछ काइनेसिक्स में आता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, अब मैं आपको हमेशा बताती हूँ और ये हमेशा याद रखिएगा, जब ज्यादा स्टेटमेंट हो ना और आपको इसमें से करेक्ट ऑप्शन चूज करना है, सो बेस्ट मेथड इज रिजेक्शन टेक्निक। ठीक है, रिजेक्शन मेथड से आप जो है बिल्कुल बना लोगे। तो इसमें जो आपको गलत लग रहा है ना, उसको आप पहले हटा दो। जैसे कि काइनेसिक्स डज नॉट कन्वे एनी मीनिंग, ऐसा तो होगा नहीं ना, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन मीनिंग कन्वे करता है, इसको हटा दो। काइनेसिक्स डज नॉट रिफ्लेक्ट द सोशल सिस्टम ऑफ एन इंडिविजुअल, ऐसा थोड़ी ना, जिस सोशल सिस्टम, जिस सोसाइटी में इंडिविजुअल रहता है उसको रिफ्लेक्ट करता है ये, तो काइनेसिक्स जो है ये वाला स्टेटमेंट भी रॉन्ग है, एक्चुअली में ही रिफ्लेक्ट करता है। सो व्हाट विल बी योर आंसर, सी डी एंड ई, खत्म, आपको आंसर ऐसे ही मिल गया। तो बॉडी मूवमेंट ऑफ एन इंडिविजुअल हैव पोटेंशियल मीनिंग, बिल्कुल सही है। काइनेसिक्स कैन बी सब्जेक्ट टू सिस्टमेटिक एनालिसिस, आप सिस्टमेटिक एनालिसिस कर सकते हो, जो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन कर रहा है सामने वाला बंदा, उसका आप सिस्टमेटिकली एनालाइज करना ही है। देन पर्सन्स बॉडी लैंग्वेज इज पार्ट ऑफ हिज सोशल सिस्टम शेयर्ड विद अदर्स, जिस सोसाइटी में, जिस कल्चर में पला बड़ा होता है इंसान, उसी तरह का उसका बॉडी लैंग्वेज होता है। ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चन, ये वाला स्टेटमेंट भी बिल्कुल करेक्ट है। ओके, सो करेक्ट आंसर इज थर्ड। सो इसी के साथ हम लोग क्लास को वाइंड अप करते हैं, और एक बार मैं आपको फिर से बता दूं कि जो है ये आप अवेल कर लीजिए, आपके पास बहुत बढ़िया मौका है, आज जो है लास्ट डेट है, एनरोल कर लीजिएगा। सिर्फ पेपर वन पढ़ना है, तो अदिति मैम, शिव सर और मैं और साथ में आयुषी मैम जो है पेपर वन की क्लास लेते हैं, और पेपर टू एजुकेशन सिर्फ लेना है, तो दिस इज द सीरीज। और सबसे बढ़िया पेपर वन प्लस पेपर टू का है, क्योंकि इसमें टेस्ट सीरीज आपको साथ में मिल जाता है। सो थैंक यू सो मच एवरीवन, एंड ऑल द बेस्ट फॉर द प्रिपरेशन। बाय बाय, टेक केयर।